सत श्रीकाल जी, मैं डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। असी सारे ही जानते पिछले 3 दिनों तो बारिश का मौसम बनया हुआ है, तो शनिवार को इतवार सवेरे काफ़ी बारिश हुई है, पर होशियारपुर जिले के सारी स्टेटी सारे सारा स्टेटस अंडर कंट्रोल है, कितने भी किसी को भी पैनिक करन की लोड़ नहीं है। पर बतौर डिप्टी कमिश्नर मैं लोगों को कुछ अपील करना चाहती हूँ। सब तो पहला तो असी जिन्हें भी लो लाइंग एरिया हैं, भावें वह चो हो गई, खड्डा हो गया, उन्हों तो दूर रहिए। हो सकता है आने वाले टाइम के साढ़े डैम के कोई पानी छड़िया जाए, तो जेकर भी कोई भी चो के आस पास रहा है, जो उत्थे घूमता है, उत्थे खेडता है, वह असी खाली रखिए। नहरों तो भी असी दूरी बनाए रखन। इस दे नाल ही नाल मेरी अपील है लोगों नूं कि रोपड़ जिले के विच अते हिमाचल के विच सड़कों का बहुत ज़्यादा नुकसान होया है, क्योंकि उत्थे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। असी अवॉइड करिए जेकर अपना ट्रैवल इन एरिया दे विच अवॉइड कर सकते हैं, तो नहीं तो उत्थे ट्रैफिक सानू डाइवर्ट करना पड़ेगा। पर क्योंकि पर असी बारिश के मौसम के सारी जिन्हें भी प्रिकॉशनस हैं वो लैके रखन। साडा गढ़शंकर एरिया थोड़ा अफेक्टेड है, पर उत्थे साडी सारी टीमां लगिया हुई ने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समूह, ड्रेनेज महकमा, रेवेन्यू महकमा, BDPO महकमा, सारी टीमां उत्थे मौजूद ने, तो जिस तरह के भी रिलीफ वर्क्स की लोड़ होएगी वो प्रोवाइड की जाएगी। असी नाल दी नाल आर्मी के टच के विच भी हैं, NDRF के टच विच भी हैं, जेकर लोड़ पैंदी है उन्हां दी मदद भी लई जाएगी। पर फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, किसी नूं पैनिक करन दी लोड़ नहीं है। असी सारे लो लाइंग एरियाज तो अपनी दूरी बना के रखें। थैंक यू।